हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वी वेनम पेन रिलीफ क्रीम की। इसका इस्तेमाल अर्थराइटिस की समस्या में किया जाता है। सो गाइज, आज के वीडियो में ये पेन किलर के बारे में कम डिटेल में जानेंगे, इसके फ़ायदे, नुकसान कब और कितनी बार लगानी है, इसका रिजल्ट क्या है, कंप्लीट जानकारी होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। सो गाइज, ये क्रीम 100 ग्राम की पैकेजिंग के साथ ये आती है। 399 रुपीज़ इसका प्राइस है। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई क्रीम है ये। गाइज, ये क्रीम का यूज आप कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पांव में दर्द, घुटने के दर्द, मोच आने पर यूज कर सकते हो। शरीर के किसी भी मांसपेशियों में दर्द है तब इसका यूज कर सकते हो। अर्थराइटिस में तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। कहीं पर दर्द हो रहा हो, पता नहीं चल रहा हो, अंदरूनी दर्द हो, उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये दर्द में तुरंत आराम देती है। ये सूजन को कम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, पेन वाली जगह में ठंडक प्रदान करती है। सो गाइस, बात करें इसमें डाले गए इंग्रेडिएंट की, तो इसमें है वी वेनम, ग्लूकोजा, माइन, आनिका फ्लावर, इस टाइप के और भी इंग्रेडिएंट इसमें पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, आप पढ़ सकते हो। वी वेनम जो है मधुमक्खी का जहर है, जिसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इसका यूज से गठिया के सूजन में आराम मिलता है, जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में ये मदद करता है। ग्लूकोजा माइन एक एमिनो सुगर है जो सेल्फिश से बनाया जाता है। ये जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द को रोकता है, दर्द को ये कम करता है, सूजन को कम करने में हेल्प करता है। अनिका फ्लावर भी एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। ये मसल्स पेन में आराम देता है, सूजन को ये कम करता है। तो गाइज, ये क्रीम को आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, दर्द में काफ़ी आराम में देता है। तो गाइज, ये क्रीम से दर्द में आराम जरूर मिलेगा, लेकिन अर्थराइटिस की समस्या जो है जड़ से ख़त्म नहीं होगी। टेम्प्ररी आराम जरूर मिलेगा इसका यूज से बाहरी तौर पर, लेकिन अंदर से बीमारी जो है जड़ से ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।